नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एशिया कप के विनर लिस्ट की। 1984 से लेकर 2018 तक किस किस टीम ने एशिया कप जीता है इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बात करें एशिया कप की, शुरुआत 1984 में हुई जहाँ पर पहला एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराया। ये एशिया कप हुआ था यूएई में जहाँ पर भारतीय टीम विनर बनी थी। वहीं पर इसके बाद अगला एशिया कप हुआ 1986 में जहाँ पर श्रीलंका ने बाजी मारी और श्रीलंका ने यहाँ पर फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए चैम्पियन बनी। ये एशिया कप श्रीलंका में खेला गया था जहाँ पर श्रीलंका ही चैम्पियन बनी। इसके बाद अगले तीन एशिया कप में भारतीय टीम ने एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीन बार चैंपियन बनी। जहाँ तक बात करें 1988 में इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हराया, बांग्लादेश में एशिया कप हुआ था। इसके बाद 1990 में इंडिया में ही एशिया कप हुआ था जहाँ पर श्रीलंका को फाइनल में हराया था। इसके बाद 1995 में जो यूएई में हुआ था वहाँ पर भी भारत ने श्रीलंका को हराया था। यानी कि लगातार तीन फाइनल श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद 1997 में एक बार फिर श्रीलंका ने भारत को फाइनल में हराया और यहाँ पर चैंपियन बनी एशिया कप की। ये एशिया कप हुआ था श्रीलंका में जहाँ पर श्रीलंका ने बाजी मारी थी। इसके बाद बात करें एशिया कप 2000 की, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराते हुए एशिया कप की विनर बनी थी। ये एशिया कप खेला गया था बांग्लादेश में और पाकिस्तान ने यहाँ पर बाजी मारते हुए श्रीलंका को फाइनल में हरा दिया और चैंपियन बन गया एशिया कप का। इसके बाद बात करें दोस्तों 2004 और 2008 के एशिया कप में दो बार लगातार भारत को फाइनल में हराते हुए यहाँ पर एशिया कप में दो लगातार चैंपियन बनी श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका ने एक तो इंडिया को श्रीलंका में हराया, वहीं पर दूसरा पाकिस्तान में हुआ था, वहाँ पर भी इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा था लगातार दो बार। इसके बाद 2010 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक बार फिर एशिया कप को अपने नाम कर लिया और इस बार भी उन्होंने श्रीलंका को श्रीलंका में ही हराया और भारत 2010 एशिया कप का चैंपियन बना महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर बाजी मारी और 2012 एशिया कप में पाकिस्तान एक बार फिर से चैंपियन बना। यहाँ पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में हुए एशिया कप में हराते हुए 2012 एशिया कप का चैंपियन बना। वहीं पर बांग्लादेश पहली बार फाइनल खेला था लेकिन वो यहाँ पर हार गया था। इसके बाद बात करें 2014 की, तो एक बार फिर श्रीलंका ने यहाँ पर बाजी मारी। इस बार श्रीलंका ने 2014 के एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए एक बार फिर चैंपियन बना, जो कि 2014 का एशिया कप बांग्लादेश में खेला गया था जहां पर एक बार फिर श्रीलंका चैंपियन बनी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2016 और 2018 एशिया कप में एक बार फिर भारतीय टीम ने बाजी मारी और दोनों वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीते। जहां तक बात करें 2016 का एशिया कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीते, वहीं पर 2018 का रोहित शर्मा की कप्तानी में। 2016 का बांग्लादेश में खेला गया था एशिया कप जहां पर बांग्लादेश को फाइनल में हराया था, वहीं पर 2018 का यूएई में खेला गया जहां पर बांग्लादेश को फाइनल में हराया था। तो टीम इंडिया अब तक सबसे ज़्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम है। तो दोस्तों 2020 में होने वाला एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों आपकी फेवरेट एशिया की टीम कौन सी है कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।